गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का लेसन है स्टूडेंट लाइफ। जो भी इंसान इस धरती में जन्म लेता है उसका अच्छा पल, अच्छी यादें, अच्छा मोमेंट एक स्टूडेंट लाइफ में होता है, जहाँ से उसका जिंदगी का सफर शुरू होता है। इतना इम्पोर्टेंट होता है, बट हम कोई भी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमारा पेरेंट्स हम लोग को किसी भी चीज़ का कमी का महसूस होना नहीं देते, भले ही हमारा घर का कंडीशन जैसा भी हो, क्योंकि हमारा पेरेंट्स को हम पर ट्रस्ट है। क्या आप सच में पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप सच में उनके बारे में सोच रहे हो जो 45 डिग्री टेम्परेचर में भी काम कर रहे हैं, ताकि एक दिन आप अच्छे इंसान बन जाए और आपका फ्यूचर अच्छा बने? बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इसलिए प्लीज लास्ट तक जरूर देखना, खास करके जो अभी स्टूडेंट है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिटेल ऑफ एनसीसी में स्वागत करता हूँ। अब आते लेसन की ओर। लेसन शुरू करूँ उससे पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। स्टूडेंट लाइफ इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आपका पूरा भविष्य इसी में डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से अपना जिंदगी बिताने वाले हो। आपका आपका जनरेशन भी इसमें इंक्लूड होता है, इसलिए प्लीज स्टूडेंट लाइफ को वेस्ट मत कीजिए। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक लेबर होता है, वो मकान शुरू करता है। अगर उसने मकान का बेस अगर उसने बेस मजबूत किया है, तो मकान जितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, जितना भी आधी तूफान क्यों ना आए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसका बेस मजबूत है। अगर उसका बेस मजबूत नहीं है, तो जैसे मकान बड़ा बनाता है, तो कभी भी वो गिर सकता है। सेम उसी तरह स्टूडेंट लाइफ भी एक बेस की तरह है, और आपका लाइफ एक मकान की तरह। इसलिए स्टूडेंट लाइफ को मजबूत करने के लिए बहुत ही जरूरी है। लाइफ में आप एक मकसद दीजिए कि आपको करना क्या है, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो। अगर आप मकसद नहीं दोगे, तो दुनिया पूरा भाग रही है, पहुंच कोई नहीं रहा है, टेंपल रन की तरह। इसलिए अपने लाइफ को एक मकसद दीजिए कि आप करना क्या है लाइफ में। कोई भी चीज में सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी होता है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल तभी होता है जब आप हार्ड वर्क करोगे। अभी जो लोग जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना पढ़ाई करोगे, उतना आपका फ्यूचर ब्राइटनेस होगा, उतना आपका फ्यूचर सक्सेस होगा। अगर ये मान के चलोगे कि किस्मत लाइफ में किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा, तो जो बाकी लोग छोड़ेंगे ना आपको, उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन किस्मत नहीं, जो मैं चाहूंगा वही मैं हासिल करूंगा, ये सोच के आगे बढ़ोगे, तो जो आप चाहोगे उससे कई गुना ज्यादा आपको हासिल होगा। सबसे पहले बात, आप 8th में 9th में या कॉलेज में पढ़ाई करते हो, कुछ टाइम ले लो कि आप लाइफ में क्या बनना है, उस चीज को एक डायरी में नोट करो। सोते वक्त जब जिस टाइम आप सोते हो, उस टाइम आप पक्का उस चीज को देख लो कि मैंने लाइफ में क्या करना है। उसके बाद में उसके डिटेल में जाओ कि मैं ये चीज हासिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जब आप एक बार डिसाइड करते हो, उसके बाद में उसका पीछे पड़ो। ये मत सोचो कि आपका पेरेंट्स क्या चाहता है, आपका रिलेशन क्या चाहता है, ये नहीं है। लेकिन यही सोचो कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि लाइफ आपकी है, आपने जिंदगी बिताना है। उस क्षेत्र में, उस लाइन में लागो जिस लाइन पर आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि लाइफ में हैप्पी रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। पढ़ाई करने जिस टाइम जिस दिन आपको स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई होता है, उसी दिन क्लियर करो, उसको बैलेंस मत रखो। अगर आप बैलेंस रखोगे, साल में 10 महीना
पढ़ाई नहीं करोगे, ओनली लास्ट 2 महीना पढ़ाई करूंगा, जोर से बोलोगे तो नहीं होगा। जो आज पढ़ाई किया उसको आज ही क्लियर करो। रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, 4 बजे, 4 बजे से 7 बजे तक 3 आवर्स, 3 घंटा बहुत होता है पढ़ने के लिए। सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सुबह का टाइम 4 से 7 बजे तक इंसान के आत्मा और परमात्मा का मिलने का टाइम होता है, बोलता है ये आपका महाभारत रामायण ग्रंथ किसी भी मम देखो। मॉर्निंग जल्दी उठना है और पढ़ाई करना है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, तब तक सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अभी हार्ड वर्क करोगे तो बाद में आपको सक्सेस होगा और आपको खुद पर अच्छा लगेगा। जितना आप ऊपर बढ़ोगे, जितना आप सक्सेस हो जाओगे, उतना आपसे ज्यादा आपका पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया है, तो उनको भी हैप्पी रहना, उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने लाइफ में क्या बनना है उसको नोट करो, उसके बाद में उसका पीछे पड़ो जब तक वो सक्सेस नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो चीज इम्पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल होता है, बट उसके पीछे हार्ड वर्क होता है। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। मेन चीज, जब तक आप लाइफ में कोई भी एम नहीं लोगे ना, तब तक आपका लाइफ का कोई फायदा नहीं होता। मैं आप बता चुका हूं, दुनिया भाग रही है, दुनिया भाग रही है, पहुंच कहीं नहीं रहे। इसलिए लाइफ को मकसद दीजिए और उसके पीछे पड़ो। जितना आप पढ़ाई करोगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, उतना आपको सक्सेस मिलेगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 2 महीने नहीं होगा, 1 साल नहीं होगा, लेकिन जरूर सक्सेस होगा। इसलिए प्लीज पढ़ाई कीजिए, अपना जो टाइम है उसको वेस्ट मत कीजिए, उसको सही सदुपयोग कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। यहाँ पर आपका लेसन समाप्त होता है। किसी भी अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी लेसन, जो भी टॉपिक्स के बारे में आप समझना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, मैं उस टॉपिक के बारे में आपको जरूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, धन्यवाद।